शुभकामना साहब भी आ जाएंगे हमारे जब बात बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव रहे और जो नतीजे आए वो इस देश की एक आवाज थी, यहाँ की जनता की आवाज थी, यहाँ के किसान नौजवानों की आवाज थी। जो वादे उनसे किए गए थे 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उस पर वो खरे नहीं उतरे और उसी के उपेक्षा में उनको ये जवाब, ये जो चुनाव हारे हैं उसकी उपेक्षा में ही हारे हैं। और आने वाले समय में मैं कहता हूँ, जैसे अगर आप और हम देखें ध्यान से, खास करके जो हिंदी भाषा प्रदेश थे, जिसकी आज के समय में हम आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की फिर एक वही डिबेट शुरू कर दी है, तो जो खास करके हिंदी भाषा प्रदेश थे वहां पे जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पब्लिक हिंदू मुस्लिम की बातों से, लड़ाई से आगे बढ़ चुकी है, वो विकास, रोजगार और अपने डेवलपमेंट की बात करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा जवाब दिया गया है इस प्रदेश।